हाय एवरीवन, हाउ आर यू। मैं आपकी भूमि भाटिया और आप लोगों के सामने फिर दोबारा से आई हूँ अपना चैनल लेकर। सो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे साथ क्या हुआ था, अब मेरा चैनल के साथ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोगों ने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना मुझे दोबारा से प्रोवोक किया एक तरीके से, सॉरी, आपने मुझे इतना प्रोत्साहन दिया कि मैं दोबारा आऊँ और दोबारा इस चैनल को क्रिएट करूँ। और सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, मेरे जितने भी यूट्यूबर दोस्त हैं, रियली इस टाइम पर पता चलता है कि आपका कौन अच्छा दोस्त है और कौन आपका सच्चा दोस्त है। तो जैसे कि मेरी दोस्त है नेचर ब्यूटी वर्ल्ड शकुंतला जी, पी प्रिया सीक्रेट, प्रिया दीप एंड राजेश कश्यप, बी स्टाइलो कुदरत, तो यही सब ने मुझे इतना सपोर्ट किया। और मेरे सब्सक्राइबर हैं बहुत सारे एंड उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, रियली मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे इतनी खुशी हुई कि जिस बंदे ने मेरे साथ ये घटिया काम किया है वो हार गया, मैं जीत गई। क्योंकि मेरे पास उसने मेरे चैनल को बर्बाद किया था, मेरे सब्सक्राइबर और मेरे जो दोस्त हैं आज वो मेरे साथ खड़े हुए हैं। तो आज इसी टॉपिक को मैं यहीं पर बंद करती हूँ और अपनी नई शुरुआत करने जा रही हूँ। तो कुछ क्लिप्स मेरे पास में पड़ी हुई थी वीडियो की, तो जैसे कि मैं आपको बताती हूँ कि जैसे कि मैं जावेद हबीब के सलून में गई थी अपना हेयर कलर कराने के लिए, तो उसकी कुछ क्लिप्स मेरे पास हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो आप लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ, लेट्स स्टार्ट नाउ। सो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो कि मैं सलून में पहुंच चुकी हूं और मेरे बालों पर हेयर पहले मेरे वॉश किए गए अच्छे से, उसके बाद में बालों के ऊपर उन्होंने कट डाउन उनको देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऑलरेडी मेरे बाल कट डाउन हो चुके थे। एंड उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हैं, उन्होंने फॉइल पेपर लेके लेयर टू लेयर करके स्टेप बाय स्टेप पूरे बालों में गोल्डन ब्लोंड मैंने शेड कराया था, तो वही कट डाउन नहीं किया, उसके ऊपर ही हाईलाइट किया है उन्होंने, गोल्डन ब्लोंड शेड उन्होंने यूज़ किया है। और अब उसको चेक कर रही हैं क्योंकि डियर मैं अपने बालों में इतना ज़्यादा हेयर कलर कराती हूँ, मेरे बाल बहुत डैमेज हो गए हैं। एंड उन्होंने मुझे ये सलाह दी कि आप अपने बालों में जल्द से जल्द कैरेटीन कराएं, क्योंकि ऑलरेडी मेरे बाल इतने ज़्यादा रफ हो गए थे और इतना गंदा उनका टेक्स्चर था कि वो बोल रहे थे कि आप इसको जल्दी से रिपेयर कीजिए। सो अब मैं अपनी होम रेमेडी से ही आपको मैं कुछ होम रेमेडी बताऊंगी और अपने बालों के बारे में आप भी बताऊंगी कि किस तरीके से मैंने अपने बालों को अच्छे से ट्रीट किया और उनको दोबारा से हेल्दी बनाया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने बालों में गोल्डन ब्लोंड दिया था, बट कुछ हमारी जो हाइलाइटिंग की लेयर होती हैं वो नहीं हो पाती, तो हम हेयर ड्रायर से उसको 2 से 3 मिनट उसको ड्राई करेंगे एंड उसके बाद में हम इसको निकाल देंगे। सो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो कि ऑलरेडी मेरी कुछ लेयर हो चुकी है, कुछ नहीं हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो, ये इनका सलून था, इनके वर्कर थे एंड ये इमरान थे, नवाब बहुत अच्छे नेचर के हैं। और ये मेरी फ्रेंड है नीरू जो मेरे साथ गई थी। एंड उसके बाद में ये मेरी हेयर वॉश के लिए मैं गई हूँ शैम्पू स्टेशन पर और इन्होंने बहुत अच्छे से सभी प्रोडक्ट निकाला, पहले एक एक लेयर निकाली, उसको क्लीन किया एंड उसके बाद में टेक्सचर उसका देखा, उसके बाद उसको सिंपल वाटर से वॉश किया एंड उसके बाद इन्होंने वॉश करके मेरे बालों को दोबारा से ड्राई किया था। सो गाइज, ये देख सकते हैं आप किस तरीके से कर रहे हैं और साथ में ये हमें टेक्निक बताते जा रहे थे कि किस तरीके से क्या करना चाहिए। बहुत सारी इन्होंने हमें इन्फॉर्मेशन दी जो कि हमें इन फ्यूचर काम आने वाली थी, क्योंकि जब भी आपको कोई भी आपको कुछ भी बताता है तो सबका अपना करने का तरीका अलग होता है, तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलता ही है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये इनका सलून है एंड वहाँ पर हेयर कट हो रहा है एंड उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो, उन्होंने पूरे बालों को अच्छे से देखा एंड ये क्लीन कर रहे हैं इस तरीके से, ऑल प्रोडक्ट जितना भी उसको निकाल रहे हैं एंड उसके बाद ही मेरे बालों को वॉश करेंगे। एंड जैसा कि आप देख सकते हो कि पूरी की जो लेयर हैं वो अच्छे से निकाल दी हैं, अब उसके बाद ही सिंपल वाटर से इसको क्लीन करेंगे जब तक कि सारा हमारा जो प्रोडक्ट है बालों में है,
ताकि हमारे स्कैल्प तक ना जाए, तो हमें उसको अच्छे से क्लीन करना होता है, पूरे बालों को वॉश करना होता है ताकि हमारा जितना भी प्रोडक्ट है वो निकल जाए। और उसके बाद में जैसे कि आप देख सकते हो कि मेरी एक एक लेयर बिल्कुल क्लीन से दिख रही है कि कहाँ पर मैंने डलवाई थी, और मैं बहुत ही खुश थी क्योंकि मुझे जो कलर चाहिए था वो मुझे मिला। क्योंकि बहुत से पार्लरों में ये होता है कि हम उनको बोलते कुछ हैं और वो करते कुछ और हैं। एंड उसके बाद जैसे कि आप देख सकते हो उन्होंने पूरा शैम्पू किया अच्छे से बालों में, और मेरे हेयर तो वैसे ही इतनी थिन हैं, पतले हैं, तो बहुत जल्दी से वर्क हो गया था। एंड आप जैसे कि देख सकते हो कि पूरे बालों को उन्होंने वॉश किया है शैम्पू से, अच्छे से पूरा का पूरा मसाज करके निकाला है, जब तक ऑल प्रोडक्ट उसके अंदर से नहीं निकल गया उन्होंने अच्छे से उसको क्लीन किया। एंड जैसे कि आप देख सकते हैं उनके फिंगर चल रही है क्योंकि वो कुछ ना कुछ सजेस्ट कर रहे थे और हम कुछ ना कुछ उनसे पूछ रहे थे, तो उन्होंने एक बार भी ऑब्जेक्शन नहीं किया कि आप ऐसे क्या है। उन्होंने बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से सब चीज़ फाइनली की। एंड जैसे कि आप देख सकते हो ये अच्छे से मेरे बाल वॉश हो गए हैं और टॉवल से उन्होंने अच्छे से पूरा ड्राई कर लिया है। एंड उसके बाद में मैं जाऊँगी फिर दोबारा अपनी चेयर पर, और उन्होंने ड्राई किया बालों को। और आपको ड्राई ये याद रखना है कि आपको हॉट पे नहीं चलाना है, आपको कोल्ड पर चलाना है अपना ड्रायर, और उसके बाद ही आप इस तरीके से इसको क्रिएट कर सकते हो। अच्छे से बालों को सुखाना है आपको, और उस सुखाने के बाद आपको ब्लो ड्रायर से उसको सेट करना है, क्योंकि ये हम मेरे बालों को अच्छे से ड्राई कर चुके हैं, जो मुझे हाइलाइटिंग की ज़रूरत थी वो मुझे मिल चुकी हैं। एंड इन्होंने सीरम भी मुझे अप्लाई किया था। सीरम करने के बाद में इन्होंने जैसे कि आप देख सकते हो ये एक एक लेयर का कलर आप देख सकते हो। एंड जैसे कि आप देख सकते हो मैं वीडियो शूट कर रही थी, अब ये मेरे बालों में ब्लो ड्रायर करना स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी टाइम हो चुका था मुझे यहाँ आने आकर, और जैसे कि देख सकते हो सब फाइनली सारा काम हो चुका है, और मेरे हेयर का भी जो कलर और जो आप देख सकते हो लुक, आपको मैं रिजल्ट आपको दिखाती हूँ फाइनली। सो आपको आगे भी कुछ भी इस तरीके का आपको व्लॉग चाहिए या आपको टिप्स चाहिए या इस इंफॉर्मेशन चाहिए, तो प्लीज़ आप भूमि भाटिया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और आप लोगों का सपोर्ट ही मुझे दोबारा से YouTube पर लाएगा। एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू गाइस, आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हैं सीरियसली। और आज का मेरा ये जो लुक आपको कैसा लगा मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में डालकर, मेरा कलर कैसा लगा आपको। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू गाइस, बाय, सी यू।